हे गाइस, वेलकम टू सो शॉर्ट। तो दोस्तों, इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपके फेवरेट सितारों से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। सो दिस इज गीतांजलि एंड टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट अनिका ओब्राय उर्फ सुरभि चंदना के बारे में। जी हाँ, आप सभी की फेवरेट सुरभि चंदना का जन्म 11 सितंबर 1989 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका बचपन भी मुंबई की गलियों में ही बीता। उनकी स्कूली पढ़ाई के बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन कॉलेज जो है उन्होंने अथर्वा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडी से किया। बात की जाए उनकी हॉबीज की तो सुरभि चंदना को रीडिंग और डांसिंग का बेहद शौक है। डांसिंग में उन्होंने भरतनाट्यम डांस सीखा हुआ है और अपनी डांसिंग वीडियो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैंस के बीच शेयर करती हमेशा नजर आती हैं। अब बात की जाए उनके करियर की तो आपको बता दें, सुरभि चंदना ने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज टाइम से कर दी। उन्होंने कई सारी कमर्शियल एड में पहले काम किया, लेकिन टीवी की दुनिया में उन्होंने कदम सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैमियो रोल से करा। उसके बाद वो मेरी भाभी कबूल है में नजर आई, लेकिन नाम पहचान फेम जो मिला वो सीरियल इकबाल से मिला, जिसमें उन्होंने अनिका ओब्रॉय का किरदार निभाया और घर घर में उनकी पहचान जो है अनिका के नाम से बनी और इसमें उनके फैंस ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद वो संजीवनी में नजर आई, नागिन सीजन 5 में बानी सिंघानिया का किरदार निभाया, जिसमें शरद मेहता के साथ उनकी जोड़ी को फैंस ने दिल खोल कर प्यार दिया। मूवीज की बात की जाए तो सुरभि चंदना जो है विद्या बालन के साथ बॉबी जासूस में छोटा सा रोल प्ले कर चुकी हैं, लेकिन इस रोल को भी उन्होंने बखूबी निभाया और इसी के दम पर उन्होंने टैली अवार्ड गोल्ड अवार्ड अपने नाम करे। फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये थी सुरभि चंदना के बारे में थोड़ी सी डिटेल, लेकिन अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आप भी अपने फेवरेट सितारों के बारे में ऐसे ही सो शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो आप हमें उनके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।